अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं कुछ क्रीम का रिव्यू करने जा रही हूँ, जिसमें से पहली जो क्रीम है वो है स्किनोरिन। स्किनोरिन जो क्रीम है वो आपने मॉइस्चराइज़र के साथ इस्तेमाल करनी है। पहले आपको स्किन को अच्छे से क्लिंजर करना है और उसके बाद आपने स्किन की ये जो स्किन ए क्रीम है वो लगानी है। ये क्रीम आपको 0.05 में मिलेगी, क्योंकि इसके अलावा अगर आपको कोई सी भी चाहिए तो वो आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी। हाँ जी, तो अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं और पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आप उसको जल्दी रिपेयर करने के लिए उसके साथ जो क्रीम ऐड कर सकते हैं वो है ये सबसे अच्छी, और ये है स्किनोरिन क्रीम। ये है ब्रांड का नेम और असल में इसको एजिलिक एसिड कहते हैं। अच्छे से धोना है, उसके बाद आपने अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेकर स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। फिर आपने लगानी है ट्रेटन ऑयल क्रीम, मटर के दाने की जितनी, ठीक है। उसको लगा के आपने थोड़ी देर बाद आपने एजिलिक एसिड इस्तेमाल करना है। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, ये बहुत जल्द आपको आपकी स्किन पे वर्क करेगा, और ग्लास स्किन जैसे होती है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आपने इसको ये नहीं समझना कि बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट देगी। अगर आप इसको अपनी लाइफ में ऐड कर लेंगे इन दोनों को, तो आहिस्ता 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 आपको कोई भी ट्रीटमेंट स्किन को करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये दो क्रीम ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करें। तो आपको अगर दोनों सूट ना करें तो आप रात के टाइम इसको लगा सकते हैं और दिन के टाइम इसको भी लगा सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी। आपने अब देखना है, क्योंकि जो एजिलिक एसिड है ना, वो आप नाइसिनमाइड सीरम के साथ भी लगा सकते हैं। इसके साथ दोनों का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर ये दोनों क्रीम आपको इकट्ठे लगाने से कोई इफ़ेक्ट होता है, 2-3 दिन आपने देखना है। अगर 2-3 दिन बाद आपको फ़र्क पड़ जाता है तो आपने इसको लगाते रहना है, घबराना नहीं आपने। अगर आप ट्रेटिन ऑयल की स्किन को आपको पहले से आदत है तो आपको घबराने की और भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर नहीं भी आदत तो आप इसको अपनी स्किन को आदी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा आजमाया है, मुझे एक्ने का बहुत मसला था। नाइसिनमाइड सीरम को किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं अपने पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, आप फिर से याद कर लीजिएगा कि आपने इसको डायरेक्ट स्किन के ऊपर नहीं लगाना। हल्की सी वेट हो आपकी स्किन तो उसके टैपिंग मोशन में आपने नाइसिनमाइड सीरम लगाना है, और उसके साथ ये भी आप इस्तेमाल करें, ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। तो असल में ये स्किनोरिन क्रीम जो है, ब्रांड नेम है, असल में ये एजिलिक एसिड है जो डिओडोरेंट में भी आ जाता है, तो आपको ये कम से कम 350 की पड़ेगी, और ये तो बहुत ही सस्ती क्रीम है। इन दोनों का आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये था मेरा छोटा सा रिव्यू, आजमाया हुआ, काफ़ी सालों से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। आज की तरह आपको मेरे चैनल पे बहुत सी चीज़ों को यूज़ करने का तरीका पता चलेगा, और आपको छोटे छोटे टिप्स भी बहुत अच्छे जो आपको फ़ायदा देंगे आपको मालूम होंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल माई आर्टिस्टिक लाइफ प्लीज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।